हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। सो आज मूव करते हैं वीडियो नंबर 41 में और नेक्स्ट कॉस्ट के ऊपर डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज नेक्स्ट डिस्कशन हमको किस चीज का करना है। तो आज जो डिस्कशन करना है वो एक्चुअली मार्जिनल कॉस्ट का करना है और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मार्जिनल कॉस्ट होती क्या है। तो जब हम इस मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की डिफिनेशन में आने से पहले एक बात यहाँ पे ये समझ लीजिए कि वर्ड मार्जिनल का एक्चुअली मतलब क्या होता है। वर्ड मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा एडिशनल, ठीक है, समथिंग विच इज एन एक्स्ट्रा, समथिंग विच इज एडिशनल। अब एडिशनल का मतलब ये है कि जब कोई भी एडिशनल सामान बनाया जाएगा तो उस पर एडिशनल कॉस्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, इट रिफर्स टू द एडिशनल टू द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। यानी जब एक और यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस होगी और उस वक्त जो कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी क्या रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट रहेगी। तो मार्जिनल कॉस्ट अराइज होती है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। यानी जब जब हम एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते जाएंगे वहां पे हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा हमारी मार्जिनल कॉस्ट इन्वॉल्व होती जाएगी। अब यहां पे अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को की बात कर रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का कुछ तरीका है। तो मार्जिनल कॉस्ट एन मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एन। यानी टोटल कॉस्ट ऑफ एन का मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ एन यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एन माइनस वन यूनिट। एन मतलब यहां पे ऑलरेडी हमने देख लिया नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एक तरीका तो ये होता है। अब इस तरीके से अगर हम यहां पे मार्जिनल कॉस्ट निकाले तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए यहां पे जब जीरो आउटपुट है टोटल कॉस्ट तो कुछ रहेगी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी कुछ नहीं है, ठीक है। अब अगर हम यहां पे वन की बात करें कि वन लेवल पे अगर हमारा टोटल कॉस्ट 18 है तो हम मार्जिनल कॉस्ट जो निकालेंगे, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट एन माइनस वन। यानी फर्स्ट माइनस फर्स्ट, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट कितनी थी, 18 है, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ वन माइनस वन। यानी यहां पे क्या है, यहां पे बेसिकली जीरो है, तो जीरो लेवल पे क्या था, 12 था। इसका मतलब 18 माइनस 12 इज इक्वल टू 6, या 6, ठीक है। यानी एक तरीका तो हमने ये बता दिया। दूसरा क्या होगा, दूसरे के लिए देखिए सेम बात, यहां पे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड माइनस टोटल कॉस्ट सेकेंड माइनस वन। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है, 22 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ टू माइनस वन, इसका मतलब 1 हो जाएगा। तो 1 पे क्या था, 18 था, तो ये कितना हो जाएगा, 14। तो इसी तरीके से ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया जिसके थ्रू हम इस फॉर्मूले की मदद से यहां पे इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम आगे बढ़े तो यहां पे दूसरा फॉर्मूला दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, यानी चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। अब इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम निकालना शुरू करें तो मान लीजिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, एट द 1, तो 1 पे क्या होगा कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो यहां पे कितना चेंज आ रहा था, 18 माइनस 12 डेल्टा टीसी, डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट, तो चेंज बोले तो 18 माइनस 12 और चेंज इन क्वांटिटी माइन मतलब 1 माइनस 0, तो 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। सेकेंड पे अगर हम बात करें, सेकेंड यूनिट ऑफ आउटपुट पे हम बात करें तो यहां पे 22 माइनस 18 अपॉन 2 माइनस 1 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4। देखिए उसी तरीके से ये भी चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि चाहे अगर हम फॉर्मूला नंबर 1 लगाएं या फिर ये वाला, ये जो ऊपर हमारा फॉर्मूला नंबर 2 है इसको लगाएं, दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, मार्जिनल कॉस्ट के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और उसके डिस्कशन को शेड्यूल और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक शेड्यूल ले लिया है जिसमें हमने 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ले लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लिया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लिया। अब बाकी हम अपने से करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए यहां पे अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो हमको पता है कि टोटल कॉस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, या फिर इट इज द एडिशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 12, ये हो जाएगा 18, एंड दिस इज 22 एंड 27, 36 एंड
45, 47, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने मार्जिनल कॉस्ट दो बना दी है। दो बनाने का मतलब है कि एक बार हम टोटल कॉस्ट एन माइनस टोटल कॉस्ट एन माइनस वन करेंगे और दूसरी बार इस फॉर्मूले के लगाएंगे, तो यहां पे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं रहेगा। तो टोटल कॉस्ट एन माइनस वन यानी 18 माइनस 12 6, 22 माइनस 18 4 27 माइनस 12 5, 36 माइनस 27 9 एंड दिस वन इज 11। फॉर्मूले की मदद से अगर लगाएं तो डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, आप यहां देखिए डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, डेल्टा टी सी बोले तो डिफरेंस यानी 18 माइनस 12 अपॉन 1 माइनस 0 6 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6। सेम अगर हम आगे प्रोग्रेस करें तो आगे भी हमको वही कुछ देखने को मिलेगा, 22 माइनस 18 अपॉन 2 माइनस 1 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 एंड 4 हो जाएगा, फिर यहां पे 5 आएगा, 9 आएगा, 11। यानी अगर हम इस फॉर्मूले से लगाएं या फिर इस फॉर्मूले से रहें तो आंसर एक्चुअली हमें सेम ही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए बस मैंने इस फॉर्मूले से भी ले लिया, बात को इससे भी ले लिया। अब आ जाते हैं ग्राफ की तरफ। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है बेसिकली नाइक, आप जानते हो नाइक इट इज अ फेमस शू कंपनी, इसका थोड़ा सा ऐसे करके लोगो रहता है यानी टिक के शेप में रहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट को आप टिक के शेप में ड्रॉ करोगे। तो ये तो था शेड्यूल और ये है उसका ग्राफ। इधर की तरफ आपने मार्जिनल कॉस्ट ले लिया है, इधर की तरफ आपने आउटपुट ले लिया 369। ऑब्वियसली मार्जिनल कॉस्ट 6 से है, फिर 4 जा रही है, फिर 5, फिर 9, 11, यानी पहले फॉल हो रही है, फॉल हो रही है, फिर वापस इंक्रीज हो जा रही है। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट को सॉल्व करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आ जाते हैं, ताकि हम मार्जिनल कॉस्ट को या फिर उस पूरे एवरेज फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट जितनी सारी चीजें तो उसको और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। यानी इतनी सारी चीजों पे वो बात कर रहा है, आउटपुट दे दिया है, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पे दे दिया है कि क्वेश्चन ने आपको टोटल कॉस्ट बता दिया है। हम टोटल कॉस्ट को यहाँ पे लिख दे रहे हैं 60, 80, 100, 111, 116, 130 एंड दिस 150। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, आपसे पूछ रहा है कि ये बाकी चीजों को निकालिए। तो अब हम देखते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाकी चीजें हमसे कैसे निकलेंगी। सबसे पहले देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट जो होती है वो फिक्स होती है, यानी ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जीरो लेवल पे आउटपुट पे भी टोटल फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ रहेगी। तो हमने मान लिया कि टोटल फिक्स कॉस्ट अगर जीरो लेवल पे ये 60 है, ये कंटिन्यूअस 60, 60, 60, 60, 60 और 60 चलती रहेगी। अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे बात किया जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिए, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर हम माइनस कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये 20 टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, 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 देन टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट पे बात किया जाए तो एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला था जो हमने डिस्कस किया, अब हम दूसरे फॉर्मूले की तरफ आ जा रहे हैं कि एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट ऑफ आउटपुट या फिर क्वांटिटी। तो यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा, फिर 80 अपॉन 1, 80, 100 अपॉन 2, 50, 100, 11 अपॉन 3, तो ये तो थोड़ा पॉइंट में आ जाएगी फिगर, तकरीबन आ जाएगा समझ लीजिए 3, 3 9, ये आएगा 3, 3 9 and 3, 7, 20, sorry, point में नहीं आएगा, बल्कि exact figure आएगी, 3, 3 9 और 21, 300, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 4, 2 8 और 36, 4, 9 36, 5, 2 10, 5, 6 30 एंड देन लास्ट वन 6, 25। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें, थर्ड फॉर्मूले पे आ जाते हैं,
एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी हो जाती है, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। पहला तो जीरो होगा, 60 upon 1, 60, 60 upon 2, 30, 60 upon 3, 20, 60 upon 4, 15, 60 upon 5, 12, 60 upon 6, this one is 10. Now talking about average variable cost, next formula. So average variable cost is equal to total variable cost upon unit of output. So average variable cost क्या होगा, total variable cost upon unit of output 0, 20 upon 1, 20, 40 upon 2, 20, 51 upon 3, 17, and 56 upon 4, 14, 70 upon 5, 70, then comes the 15. अब marginal cost की बात की जाए, तो marginal cost हम total cost से निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 0, 80 minus 60, 20, 100, 20, ये formula, याद रखिएगा क्या हमने formula discuss किया था, total cost n minus total cost n minus 1, और total cost is equal to delta TC upon delta Q. इन दोनों में से जो formula चाहिए, वो आप यहाँ पे apply कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा 11, then comes the 5, then 14, and then 20. देखिए marginal cost पहले fall कर रहा है, फिर rise कर रहा है, तो ये वो question था जो कि सिर्फ total cost दिया था, उसकी मदद से हमने total fixed cost, total variable cost, average total cost, average fixed cost, average variable cost और marginal cost को निकाल लिया। तो आप इसका screenshot ले सकते हैं, और इसके बाद हम next question को देखेंगे कि हमको next question क्या करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो ये क्वेश्चन है, इसको आप देख सकते हैं, इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, ये मिसिंग फिगर की बात कर रहा है, और यहां पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इस पे गौर करिए कि यहाँ पे शुरुआती दौर में, एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि यहाँ पे 60 जो दिया है वो दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी टोटल फिक्स कॉस्ट की एक फिगर दी हुई है, तो हमें पता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट जो रहता है वो कंटिन्यूअसली फिक्स ही रहता है, यानी वो 60 रहेगा, 60 रहेगा, 60 रहेगा, 60 रहेगा और 60 और 60 रहेगा, ठीक है। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट 60 है, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, और ये तो हमारा जीरो ही रहेगा। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट पहली क्या आएगी, देखिए फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, तो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन हो जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट दिया है, टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाता है 40। उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम ऐड करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाता है, फिर से टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट को कर दें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, उसको फिर से माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, यानी सिर्फ फिक्स कॉस्ट दी हुई थी, और फिक्स कॉस्ट की मदद से हमने पूरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से प्लॉट कर दिया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये कुछ क्वेरीज थे मार्जिनल कॉस्ट के साथ जो हमको डिस्कस करना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग रन कर्व की तरफ मूव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो सपोर्ट आपसे मिला है बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला है, और बार बार जब हम देखते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब कर रहे हो, आप हमें सपोर्ट कर रहे हो, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें बहुत ज्यादा मॉरल सपोर्ट मिलता है, बहुत ज्यादा हम इग्नाइट हो जाते हैं। तो इस वीडियो को भी लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जिनको 27 मार्च 2019 को अपना इकोनॉमिक्स का पेपर देना है। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और 90+, 95+ लाने की पूरी तरीके से कोशिश करिएगा। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।